फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा एम्पलीफायर ले और कौन सा ना ले। बहुत सारी कंपनी है, आप भी कहोगे कि मेरे को जो मैं लूँ वो जो पैसे वगैरह आपके जो लग रहे हैं वो बेस्ट चीज़ के लिए लगे और ब्रांड में लगे। थोड़ा सा बजट आप ऊपर कर लो तो आपको मैं बताऊंगा गिटार एम्पलीफायर सबसे बेस्ट और बेस्ट क्वालिटी साउंड में और आपका लाइफ लॉन्ग भी है ये। और मैं बात कर रहा हूँ आज इसकी मार्शल की MG10 की, ये गोल्ड सीरीज में आता है। तो मैं उसको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ आपको इसमें क्या क्या मिलता है आपको। मेरे को तो सबसे अच्छा इसकी लुक, क्वालिटी, इनबिल्ट वगैरह, फिनिशिंग। भाई एक बात तो है, जो कंपनी है तो वो चीज़ भी वैसी निकालती है जिसके कारण ये मशहूर है आपका। तो क्वालिटी सबसे अच्छी है इसकी। और देखो इसमें एक इनपुट लगता है, ये इसका वॉल्यूम हो गया, ये इसका गेन हो गया, ये वॉल्यूम गेन दोनों इकट्ठे इसके, इसको ओवर ड्राइव कहते हैं। और ये कंट्रोल हो गया आपका, ये आपने हेडफोन लगाने जैसे आपने इनपुट यहाँ दे दी और यहाँ से आप चाहते हैं कि ये नहीं सुनाई दे सबको, आप अकेले सुनना चाहते हो म्यूज़िक तो यहाँ लगा सकते हो। ये आप एयरफोन लगा सकते हो ऑक्स के, मोबाइल से लगा लो, आईपॉड लगा लो, जो आपको सही लगे। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ आपको इलेक्ट्रिक गिटार के साथ और इसकी साउंड सुनाता हूँ आपको। हेडफोन लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा सुनाई देगा आपको। बाकी आपको थोड़ी ट्यूनिंग वगैरह मैंने करी नहीं गिटार की, तो जस्ट आपको मैं बहुत फर्क पड़ता है क्वालिटी में। अगर आप कोई इलेक्ट्रिक सीख रहे हो, इलेक्ट्रिक बजाते हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ब्रांडेड चीज़ें लें। जैसे यामा है तो इसके मैचिंग के लिए मार्शल अच्छा है, जो आपको सही लगे सूटेबल रेंज के हिसाब से। बाकी अगर आपका बजट ज़्यादा अच्छा है तो मैं कहूँगा एक ब्रांड और है यामा वगैरह के, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। ये यामा की पैसिफिक एक्सटेंशन मैं आपको बताऊंगा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कमेंट में आप बताना, मुझे कोई सजेशन वगैरह देना।